नमस्कार बच्चों, आज हम आप बीए फाइनल ईयर वालों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी के सिलेबस में कविता रहेगी आज की, नदी के द्वीप। आगे की कविता नदी के द्वीप के बारे में आज बताया जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ये प्रगति प्रयोगवाद कविता के या प्रयोगवाद के प्रवर्तक जिन्हें कहा गया है, इनका तो परिचय हम आपको प्रयोगवाद के बारे में ही बता दिए थे, लेकिन थोड़ा सा जान जाते हैं अज्ञेय के बारे में। इन्होंने अज्ञेय जो थे, इन्होंने चार सप्तक का संपादन किया था। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा गया। इन्हें निजता की सुरक्षा का कवि कहा गया। 7 मार्च 1911 को कसया कुशीनगर देवरिया के खुदाई शिविर में अज्ञेय का जन्म हुआ। इस परिवार की निजी पत्रिका आनंद बंधु भी अज्ञेय की है, जो 1936 में सैनिक समाचार मंडल में आए। 1937 में जो अज्ञेय का विशाल भारत पत्रिका जो है, विशाल भारत के पत्रिका के जो हैं सदस्य बने, और 1942 में दिल्ली अखिल भारतीय शिष्य विरोधी सम्मेलन शुरू किया, और 1943 से आपका तार सप्तक शुरू हो गया। जो तार सप्तक, चार तार सप्तक थे, पहले एक तार सप्तक में 7 कवि हैं, और पहला 1943 तार सप्तक था जो जिसमें 7 कवि थे, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद और राम विलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल और गिरजा कुमार माथुर। और दूसरा 1951, इसमें भी भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह हैं। और जो तीसरा सप्तक था 1959 में, और चौथा 1979 में था चौथा संपत। और अज्ञेय ने वैश्विक भ्रमण और एशियाई देशों की यात्रा में अनुभव ग्रहण किया। इनके साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इनकी असाध बीड़ा जो है एक लंबी कविता है जो चीनी लोक संस्कृति पर आधारित है। आज इनकी कविता जो नदी के द्वीप है, ये चर्चित कविता है। आप जानते हैं कि इसमें व्यक्ति के और समाज के और संस्कृति का जो कम्बिनेशन है उसके बारे में इन्होंने बताया है इस कविता में, नदी के द्वीप में। तो इसका थोड़ा सा संकेत पढ़ लेते हैं, इसमें सारांश क्या था, कि कहने का कवि का तात्पर्य क्या है इसके बारे में। अज्ञेय की कविता जो नदी के द्वीप है, ये इनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संग्रहित है, जो 1949 में प्रकाशित काव्य संग्रह में थी। और इन्होंने इस कविता अज्ञेय के व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। और इस कविता में नदी जो है संस्कृति का प्रतीक है, नदी संस्कृति का प्रतीक है, और द्वीप व्यक्ति का और बृहद भूखंड जो है समाज का प्रतीक है। जैसा कि इसमें, इस कविता में आप चर्चित होगा कि नदी जो है व्यक्ति का प्रतीक है, और संस्कृति जो है वो हमारी द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है, और बृहद भूखंड समाज का प्रतीक है। इस तरह यह कविता व्यक्ति, समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों पर आधारित है। जैसे द्वीप का निर्माण नदी के बीच में होता है, वैसे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व संस्कृतियों के बीच पनपता है। जैसे नदी द्वीप और भूखंड को जोड़ती है, वैसे ही संस्कार व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। और हम चाहें तो नदी को समष्टि के प्रतीक रूप में भी मान सकते हैं। कवि ने इस कविता में नई कविता की संवेदना को उसकी भाषिक क्षमता के साथ साथ एक सर्वथा नया आयाम और धरातल प्रदान किया है। यह कविता व्यक्ति के संपूर्ण विकास तथा उसके समवाय के प्रति आत्मसमर्पण के भाव को रेखांकित करती है, और व्यक्ति की अवस्थिति समस्त से ही साकारता सार्थकता पाती है, और समस्त से निसंदर्भ होकर व्यक्ति के निरूप निरर्थक हो जाएगा। किंतु कवि अस्मिता रहित व्यक्ति बनना नहीं चाहता, व्यक्ति की पूरी खुली अस्मिता के साथ ही कवि समष्टि का अंग बनने को तैयार है। इस कविता में जो अज्ञेय जी हैं, यही हम बताना चाहते हैं, उन्होंने इस कविता में व्यक्तित्व के स्वाधीन का एक नया स्वर फूंकता है, और बरबस अज्ञेय की व्यक्तित्व की पहचान बनकर इस कविता में उभर कर आती है। अज्ञेय का व्यक्तित्व इस कविता में उभर कर आता है। अब देखिए इस कविता के बारे में कि हम नदी के द्वीप हैं। इसमें कवि नदी के द्वीप का वर्णन करता है कि हम नदी के द्वीप हैं। अगर इस संदर्भ में यही कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या पूरा नाम लिखेंगे, या फिर प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा रचित नदी के दीप हरी घास की छड़ में क्षण भर संग्रहित काव्य संग्रह में संग्रहित है, ऐसा करेंगे। और फिर इसके बाद देखिए यही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ व्यक्ति और समाज की स्थिति को प्रस्तुत करती है, व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है इसको ये बताती है कि हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियाँ अंतरीप उभार सैकत कुल सब गुलाइयाँ उसकी गड़ी है, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। यहाँ पे कवि कहता है कि नदी का दीप कहता है कि वह नदी का द्वीप है, उसी ने उसको आकार दिया है। कहते हैं कि ये जो नदी है, नदी जो हमारी माँ, यहाँ पे बताते कि ये नदी ही नदी के दीप हैं। जैसा कि हमने नदी आप देखे होंगे कि ये जो नदी है, नदी बह रही है, इसमें कहीं कहीं पे आप देखेंगे ऐसे करके जगह होगी, स्थल मंडल होगा, वो क्या होता है द्वीप, इसको द्वीप कहते हैं। तो इसको आकार जो देती है नदी देती है, जो इधर किनारे किनारे पानी बहता है और जो बीच में स्थल चीज जगह रहता है उसे ही द्वीप कहलाता है, कहते हैं। जैसा कि हम भी एक महाद्वीप पे हैं, किस महाद्वीप पे हैं, सिया महाद्वीप पे हैं। अब देखिए द्वीप एक छोटा सा मतलब भाग होता है, जो नदी के स्थल वही द्वीप कहता है। यहाँ पे ये जो द्वीप है ये व्यक्ति का प्रतीक है, आप लिख दे रहे हैं द्वीप जो है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और नदी जो है हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। नदी जो है नदी जो है संस्कृति और जो विस्तृत भूखंड है, जो बृहद भूखंड है, बृहद भूखंड भूखंड जो है वो समाज का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। देखिए इसमें बृहद नदी संस्कृति का, द्वीप जो है व्यक्ति का, और बृहद भूखंड और ये क्या है, समाज का प्रतीक है। इसमें कवि यही कहना चाहता है कि इस कहते हैं कि ये गलियां अंतरीप हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी व्यक्ति के कहते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर, ये जो हमारे कोड गलियां अंतरीप जो हमारा आकार है, जो जिसको आकार दिया गया है वो उसका उभरा दिया आदि उसके रेतीले किनारे उस सभी के वो उसी के द्वारा गढ़े गए हैं। किसके द्वारा गढ़े गए हैं, नदी के द्वारा, नदी द्वीप जो है नदी के लिए कह रहा है। और कहते हैं कि उसकी सारी स्थितियां ही नदी द्वारा निर्मित है, वह भी वही उसकी जननी है, द्वीप स्वीकार करता है उसी के कारण उसका अस्तित्व है। कहता है कि द्वीप कहता है हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर, स्वर सुनी होती है नदी, मतलब नदी को ही कहा गया है, बहने को कहा गया है। यहाँ पे उसको लिख दे रहे हैं नदी, स्रोत सुनी माने जो बहती है नदी। स्रोत सुनी नदी के कि हम नहीं कहते हमको छोड़कर ये जो नदी है वो बह जाए, क्योंकि हमारा उसी से हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है। अब देखिए नीचे दिया है वह हमें आकार देती, हमें आकार देती है। जब नदी बहती है, जो द्वीप होता है उसके किनारे जैसे बहेगी वैसा वैसा उसका क्या होता है, आकार बनता जाता है। और वहाँ पे देखिए लिया है कि हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, जो सैकत कूल होता है बालू राशि का, सैकत माने होता है बालू, सैकत माने होता है बालू और कूल माने होता है किनारा, जैसे बालू का किनारा, जो मिट्टी बालू का जो किनारा होता है सैकत कूल, अंतरीप उभार गलियां कोण जो हमारा जो आकार है सब गोलाइयाँ उसी की गढ़ी हुई हैं, सब गोलाइयाँ जो है उसी की गढ़ी हुई हैं, अर्थात नदी की ही गढ़ी हुई हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। कहते हैं माँ है वह क्यों, द्वीप की नदी क्या है, माँ है, क्योंकि उसी से तो ही ये बना है, हमारा आकार मिला है, हमारा अस्तित्व मिला है, हम जो भी हैं उसी के द्वारा बने हैं।
यहाँ पे व्यक्ति देखिए यही कहते हैं कवि कि जो द्वीप है, द्वीप कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति का चिंतन भाव दर्शन आदि का निर्माण समाज के अंतर्गत ही होता है और उसका सारा अस्तित्व जो है समाज से ही, संस्कृति से ही बना है। अब आगे देखिए इसमें विशेष में होगा द्वीप व्यक्ति का और नदी समाज का प्रतीक है। कुछ आलोचक नदी सांस्कृतिक चेतना भी स्वीकार करते हैं या संस्कार मानते हैं। अब देखिए प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा व्यक्ति और समाज की स्थिति का व्यंजना दिया गया है। यहाँ पे प्रतीक जो माना गया, आप सबसे देखेंगे कि आगे की जो रभी रचनाएं हैं प्रयोगवाद में, जो भी इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से रचनाएं की है, ये प्रतीक दिया गया है। क्या प्रतीक है? नदी है और द्वीप है। व्यक्ति और समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है और प्रतीक रखा गया है नदी और द्वीप को। ठीक है, आप देखें दूसरा, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। यहाँ पे कृष्ण कहता है कि द्वीप जो कहता है कि किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के, इस किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेगा प्लवन होगा, ठहेंगे सहेंगे बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं, रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। ऐसा द्वीप कहता है कि यहाँ हम तो मात्र द्वीप हैं, नदी की धारा नहीं है। नदी तो गतिशील है, वही हमें आकार देती है। नदी जो है वो गतिशील है, धारा नहीं है, मतलब नदी तो बहती रहती है, जो द्वीप रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो वह कह रहा है कि हमारा नदी के प्रयूण हमें, ये नदी तो गतिशील है वही हमें आकार देती है, हमारा नदी के प्रति पूर्ण स्थायी समर्पण भी है, हम तो उसी के हैं, उसी से अपना अस्तित्व खोकर रेत हो जाना है, अपना कहते हैं कि उसके साथ बहते नहीं हैं क्योंकि बहने का परिणाम क्या है, कहते किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, कहते हैं हमारा स्थिर समर्पण है, मैं स्थिर हूँ, हमेशा समर्पित हूँ, हम सदा से द्वीप हैं, सोच सुनी के इस नदी के सदा से द्वीप हैं, और किंतु हम बहते नहीं हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि ये नदी नहीं है जो बह रही है, ये द्वीप है, क्योंकि बहना रेत होना है, कहते हैं क्योंकि बहना रेत होना है, जो बस स्थाई नहीं रहेगा वो रेत बन जाएगा, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, अगर हम बह गए तो हमारा कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, हम द्वीप कहाँ कह जाएंगे, तब तो नदी के भांति हम भी क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हमारा अस्तित्व यहीं पे है, नदी ने हमें दिया है, लेकिन हम जब बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेगा प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। जब कभी इसमें दिया है कि जब बहने का परिणाम होगा, अगर अपना अस्तित्व खोकर रेत हो जाना, यदि हम बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमारे पैर उखड़ जाएंगे और गतिशील जल में हमारा सारा आकार ही ढह जाएगा, हम बहना भी चाहें तो हम धारा तो नहीं बन सकते, हम तो बिखरेंगे अगर हम बहना चाहें। वैसे तो द्वीप बहता नहीं, लेकिन वो कहता है कि हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, अर्थात मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पैर उखड़ेगा प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। यहाँ पे कहता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर हम वहाँ से हट जाते हैं या बहेंगे ढहेंगे बह जाएंगे, तो फिर रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। यहाँ पे कहते हैं और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं, द्वीप कहता है अगर हम चूर्ण भी हो जाते हैं तो हम धार नहीं बनेंगे, बल्कि जिस जगह पे रहेंगे उस जल को क्या करेंगे, गंदला ही करेंगे और अनुपयोगी ही बनाएंगे, और वहाँ पे अनुपयोगी ही बनाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व तात्पर्य है, देखिए कहते हैं कि जल गतिशील जल में हमारा सारा आकार ही ढह जाएगा, हम बहना चाहें तो भी हम धारा तो नहीं बन सकते, हम तो बिखरेंगे रेत बनेंगे और नदी के प्रवाहित जल को गंदा ही बनाएंगे, उसकी उपयोगिता को धूमिल ही कर देंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे और क्या होगा। अब तात्पर्य यह है, देखिए कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि परंपरा की गति में यदि व्यक्तित्व भी बह जाएगा तो समाज में गंदगी ही फैलेगी, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही समाज को श्रेष्ठ गति प्रदान करने में सहायक होता है, कवि ऐसा ही कहता है इस कविता में। देखिए इसको फिर से बता देते हैं कि ये नदी के द्वीप हैं, यहाँ पे नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर
स्रोत स्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरिप उभार, सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। देखिए यहाँ पे जो कवि कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते यहाँ पे हम द्वीप हैं, हम नहीं कहते। ये समाज देखिए नदी और व्यक्ति का, यहाँ पे जो द्वीप है व्यक्ति है और नदी जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। कहता हम छोड़कर इसको नहीं रह सकते, हमको छोड़कर, क्योंकि इसी से हमारा अस्तित्व मिला है। हम वह हमें आकार देती है, वही हमको यहाँ समाज में जगह देती है। हमारा संस्कार ही, हमारा व्यक्तित्व ही हमको यहाँ जगह दिलाता है। हमारे कोण गलियान करीब उभार सैकत कुल, ये हमारे संस्कृति, हमारा जो समाज है, यही हमारे जो आकार हैं वो हमको जगह, जैसा कर्म जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है उसी भांति हमको स्थान दिलाती है। सब गोलाइयाँ उसी की गढ़ी हैं, माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। संस्कृति सभ्यता कहते हैं कि वो माँ है और उसी के अनुसार हम गढ़े हैं, हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। यहाँ पे द्वीप व्यक्ति कहता है कि हम जो है द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। क्योंकि धारा रहते तो हम क्या होते, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं सूरज सुनी के, हम सदा से ही द्वीप हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा स्थिर समर्पण है, हम द्वीप होकर एक व्यक्ति इस समाज में इस संस्कृति में हमारा स्थिर समर्पण है, अगर हम सूरज सदा के द्वीप हैं स्रोत सुनी के, कहते हैं किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। यहाँ पे कवि कहता है कि हम अपने व्यक्तित्व को, कि हम गतिशील हैं उसके साथ बहते नहीं क्योंकि बहने का परिणाम अपना अस्तित्व खोकर रेत हो जाना है। अब हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, अगर हम बह जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पे तात्पर्य कवि यही कहता है कि परंपरा की जो गति है, यदि व्यक्तित्व ही बह जाएगा, हमारा व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा, संस्कार ही नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रह जाएगा, तो हमारा अस्तित्व ही इस समाज में क्या रह जाएगा। यहाँ पे कवि वही कहता है, कहता कि अगर हमने अपने आप को, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, रेत बनकर हम सलील को, अगर हम रेत बन जाते हैं, चूर्ण बन भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तनिक सलील पानी को क्या करेंगे, थोड़ा सा गंदला ही कर देंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। वैसे तो हम द्वीप कह जाते हैं, एक हमारा स्थान है समाज में, लेकिन नदी में, और ये अगर हम इसको, हमारा अस्तित्व जब मिट जाएगा हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ की पानी को क्या करेंगे, गंदला ही करेंगे, ऐसा कवि कहते हैं और समझाते हैं। अब इसके बाद की कविता है कि नदी के द्वीप में, देखिए आगे है, द्वीप है हम नहीं हैं शाप, यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। जैसे हमने कहा कि भूखंड जो होता है, यहाँ पे बृहद भूखंड जो है वो समाज से माना गया है कि वो समाज है। द्वीप है व्यक्ति जो है, कहता है द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है, प्रकृति है। यहाँ पे नदी के द्वीप में, इन पंक्तियों में द्वीप कहता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको बहना भी पड़े, और उसका भाग्य ही होगा कि जो पूर्णतः स्वीकार होगा। यहाँ पे कहता है द्वीप, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में, क्रोण माने होता है गोद में, क्रोण माने होता है गोद। कहते हैं हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में। यहाँ पे देखिए, जहाँ कवि कहता है कि द्वीप कहता है यदि किसी ऐसी स्थिति आ भी गई, हमें बहना पड़े, या बृहद कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई कि विषम स्थिति भी सहर्ष स्वीकार होगी, और बहना भी अगर पड़ जाए, क्योंकि वह तो नदी का पुत्र है, उसी ने उसे जन्म आकार और संस्कार दिया है, अतः वह उसे ही अपना भाग्य ही मानेगा, वह तो पूर्ण समर्पित है, उसकी गोद में ही समाया है, फिर यह उसका अधिकार है कि वह उसके साथ कुछ भी करे। उसके द्वारा ही हमारा संपर्क विशाल भूखंड से होता है, तो हमारा जो पिता है, कहते हैं कि इसी से, क्योंकि ये नदी जो है, जो हमारा संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, वही हमको क्या करती है, समाज से जोड़ती है। जैसे बृहद भूखंड जो है वो हमारा पिता है, और वह भूखंड हमारा पितर है, कहते हैं वह पिता है, क्योंकि समाज और संस्कृति के बिना व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वह अधूरा होता है। वहीं पे अज्ञेय जी ने यही बताना चाहा है। कहते हैं कि देखिए, इसमें
कि द्वीप कहता है यदि कभी ऐसी स्थिति आ भी गई तो उसे बहना ही पड़ गया और तो उसे विषम स्थिति तुरंत स्वीकार होगी, क्योंकि वह तो नदी का पुत्र है और उसी ने उसे जन्म आकार और संस्कार दिया है, अतः वह उसे भी अपना भाग्य ही मानेगा। वह तो पूर्ण समर्पण है, समर्पण है, उसकी गोद में ही समाया है। फिर यह उसका अधिकार है कि वह उसके साथ कुछ भी करे। उसके द्वारा हमारा संपर्क विशाल भूखंड से होता है जो हमारा क्या है, पिता है। यहाँ पे व्यक्ति द्वीप के माध्यम से अपने बताता है। यहाँ पे देखिए, कृण माने होता है गोद और नियति माने होता है भाग्य। नियति होता है कि भाग्य या प्रकृति, ये हमारा भाग्य है। नियति भाग्य है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में। जो द्वीप होता है वो नदी के गोद में उस बैठा है, वो अपने को कहता है कि नदी क्या है, हमारी माँ है। और जो बृहद भूखंड है, भूखंड पे हम लोग रहते हैं ना, जो स्थल है, जगह है, वो बृहद भूखंड वो क्या है, जो हमारा पिता है। यहाँ पे व्यक्ति अपने संस्कार और अपने समाज में स्थान की बात करता है, अपने व्यक्तित्व की बात करता है और कहता है अगर हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति अच्छी है तभी तो हमें समाज में स्थान मिलता है, जो हमें संस्कृति और उस संस्कार से ही ये माँ हमको जगह दिलवाती है बृहद भूखंड में। और वह बृहद भूखंड क्या है, हमारा पितर है। कहते हैं और वह भूखंड अपना पितर है, अर्थात पिता है। अब देखिए आगे कहते हैं कि नदी तुम, यहाँ पे समाज संस्कृति के संयोग से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। जैसे विश्व समुदाय समाज को संस्कार और जीवन देता है, अतः वह भी पिता है। द्वीप बहकर भी भटकना नहीं चाहता, वह विश्व चेतना में समाहित हो जाना चाहता है। वो बहकर अपना संस्कार क्षय नहीं होने देना चाहता। वो कहता है कि मैं द्वीप बनकर भटकना नहीं चाहता और वह विश्व चेतना में समाहित हो जाना चाहता है। विश्व चेतना, क्योंकि ये नदी है जो उसके भूखंड से उसको क्या करती है, जोड़ती है, और नदी है जो अपना संस्कार देकर अपने पास अपनी गोद में लिए है, बैठे नदी के क्रोण में। अब देखिए दूसरा है, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से। देखिए यहाँ पे स्वैराचार माने होता है मनमाना आचरण, जैसे नियमों और बंधनों की उपेक्षा करके किया जाए। स्वैराचार माने होता है मनमाना आचरण, मनमाना आचरण, अतिचार अत्याचार जानते ही हैं, मनमाना आचरण करना और ये है अतिचार। इसमें दिया है कि ये कि नदी तुम बहती चलो, यहाँ पे जो कवि मानता है कि नदी सामाजिक चेतना का रूप है और जो द्वीप रूपी व्यक्ति की चेतना को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाती है। ये कहते हैं कि हे सामाजिक चेतना नदी, हे संस्कारवादी नदी, तुम सतत गतिशील बनी रहो, तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला। यहाँ पे कहते हैं कि तुम तो, क्योंकि तुम्हारे प्रवाह से ही द्वीप का निर्माण होता है। दाय माने होता है दायित्व या जिम्मेदारी। कहते हैं हमको ये दायित्व तो मिली है या जिम्मेदारी मिला है, यहाँ पे होगा दायित्व, तो, दायित्व तो। कहते हैं भूखंड से ये हमें दायित्व तो मिला है, हमको मिला है और मिलता रहा है। यहाँ पे कवि कहता है कि ये जो नदी तुम बहती चलो में, इसमें कहते हैं कवि कि विस्तृत भूखंड के रूपाकार दायित्व की जो सामग्री द्वीप को मिलती है उसका परिष्कार नदी ही करती है। हे नदी, तुम उस दाय का परिमार्जन करती रहो, उसे नित्य नया संस्कार देती रहो। यहाँ पे व्यक्ति कहता है नदी तुम बहती चलो, तुम जो संस्कार है उस देती चलो, भूखंड से जो हमको दायित्व मिला है, मिलता रहा है। दाय माने होता है दायित्व, मांझती संस्कार देती चलो। नदी को कहता है तुम उसको सही परिष्कृत और संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, अगर ऐसा हो, तुम तो अपना कर्तव्य करती चलो। नदी को कहता है कि तुम उसको संस्कार देती चलो, द्वीप कहता है लेकिन कभी, यदि ऐसा कभी हो, इसमें यदि कभी सामाजिक चेतना रूपी नदी में अत्यधिक आह्लाद के प्रभाव से अथवा किसी स्वच्छंद आचरण के कारण, निरंकुशता के प्रभाव के कारण या दूसरों के स्वच्छंद अत्याचार के कारण, स्वैराचार मतलब कि कभी नदी में होता है मनमाना आचरण से कभी कुछ नुकसान हो या फिर अतिचार मतलब अत्याचार,
जो लोगों के द्वारा किया गया अत्याचार के कारण कभी अभी तो अब तुम्हारा कर्तव्य है संस्कार देना, लेकिन कभी तुम्हारे आहलाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार मनामाना आचरण से दिया है कि इसमें अगर कभी भी बाढ़ आ जाए, मान लीजिए स्वच्छंद अत्याचार कारण उसमें अत्याचारी स्थिति उभर सके, क्रांति या विद्रोह की बाढ़ आ जाए और मंद गति सरिता ही भयंकर विध्वंस रूप धारण कर ले, मतलब विपरीत परिस्थिति उस समय आ जाए, तो उस समय आप कहते हैं कि तो यह स्थिति भी द्वीप को अर्थात व्यक्ति को स्वीकार है। यहाँ पे द्वीप कहता है कि अगर ऐसा भी कभी होगा तो ये भी स्थिति हमको क्या है, स्वीकार है। उसमें कहता है कभी कि जो मानव जो व्यक्ति है वो कहता है कि तुम्हारे आलात से या दूसरों के स्वैराचार से अत्याचार से कि कोई ऐसी पर विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं तो ये द्वीप अर्थात व्यक्ति को स्वीकार है अगर भयंकर विध्वंस रूप धारण कर ले तो यह स्थिति भी द्वीप क्या कहता है हमको स्वीकार है। और भले ही यह स्थिति उसे व्यक्तित्व के सम्मुख विनाश का संकट उपस्थित कर सकती है, जो मानव द्वीप के सम्मुख कीर्तिनाशा का रूप भी धारण कर सकती है जिससे वह रेत बनकर बह सकता है, यह भी उसे स्वीकार है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है। कहता कि कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं तो वो मुझे स्वीकार है क्योंकि मुझे अपने संस्कार पे क्या है, विश्वास है। यहाँ पे व्यक्ति यही कहता है, कहते हैं कि विवाह एक विराद एक बनकर भले ही बिखर जाएगा तो अपुन छन कर कहीं पर आ जाएगा। उस इसमें देखिए कभी यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से या अत्याचार से अगर कभी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाएं तो वो हमें क्या है, स्वीकार है, ऐसा कवि कहता है। अब इसके बाद जो है आगे की पंक्ति है, तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे नदी के बीच की अगली लाइन कि तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घर आता रहे, यह स्रोत सुनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे फिर संस्कार तुम देना। यहाँ पे द्वीप जो है नदी से कहता है कि एक व्यक्ति की व्यक्तित्व का पहचान दिलाते हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें जो भयंकर विध्वंस कहते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी देखे कि उसमें था कि कभी निरंकुश कभी स्वच्छंद आचरण के कारण और निरंकुशता के प्रभाव के कारण या दूसरों के स्वच्छंद अत्याचार के कारण उसमें अत्याचारी स्थिति अगर उभर भी जाए तो भी वो मुझे स्वीकार है, ऐसा था। तो यह स्थिति द्वीप व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वीकार है, भले ही यह स्थिति उसके व्यक्तित्व के विनाश का संकट उपस्थ कर सकती है, इसके अगले वाले पंक्ति में था। और इसका है कि जो मानव द्वीप जो है जो द्वीप है वो कहता है कि तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे, यह स्रोत सुनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा। जैसा कि आपने देखा है कर्मनाशा कीर्तिनाशा जब होती है तो भारी उफान रहता है। और कहते हैं कि अगर ऐसी जिसमें सम्मुख कीर्तिनाशा जो मानव जो द्वीप है कि सम्मुख कीर्तिनाशा का रूप भी धर सकती है जिससे वह रेत बनकर बह सकता है, यह भी उसे स्वीकार है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है। और विवाह रेत बनकर भले ही बिखर जाएगा पर पुनः छनकर फिर आके जम जाएगा तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। देखिए यहाँ पे कभी अगर सरोजनी नदी में कभी बाढ़ आ जाए कीर्तिनाशा कर्मनाशा वाली सुनामी प्रवाहिनी भयानक रूप धारण कर ले, अगर हमारा अस्तित्व मिट भी जाता है अगर हमारा द्वीप जो है वो रेत बन जाता है, कहते हैं तो भी हमें स्वीकार है, वो भी हमें क्या है, स्वीकार है, उसी में रेत होकर। और फिर छनेंगे यहाँ पे द्वीप अपने अस्तित्व की बात करता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो मेरी पहचान फिर से बन जाएगी क्योंकि फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। फिर छनेंगे जब जो जल होता है उसमें से छन के मिट्टी जो होती है फिर इकट्ठा होगी, जमेंगे फिर पैर टेकेंगे मतलब फिर वहाँ जम जाएंगे, फिर
कहाँ कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार और एक व्यक्तित्व का आकार, जैसे द्वीप एक व्यक्तित्व के आकार के भांति सामने आता है, वैसे ही नदी से कहता है मात उसे फिर तुम संस्कार देना, फिर मैं एक नई पहचान नया अस्तित्व लेकर सामने उभर जाऊंगा। और माता नदी को कहता है कि फिर से तुम उसको संस्कारवान बना देना। कहते हैं कि वह पुनः छनकर कहीं पर आ जमेगा, उसके पैर कहीं ना कहीं तो टिक जाएंगे और वह स्थल उसके विकास का आधार बन जाएगा और वह क्षण अवश्य आएगा जब उसका अस्तित्व फिर से स्थापित होगा और वह नया आकार ग्रहण करेगा, शायद वह इससे अधिक श्रेष्ठ व सुंदर होगा। अंतिम पंक्ति में द्वीप निवेदन करता है, ये जो अंतिम पंक्ति है इसमें जो द्वीप है वो निवेदन करता है कि माता उसे फिर संस्कार तुम देना। कहते हैं कि द्वीप कहते हैं हे नदी तुम मेरी माता हो, तुम द्वीप की फिर सुसंस्कृत आकार देना, अर्थात सामाजिक चेतना रूपी नदी को द्वीप के अस्तित्व को व्यक्ति चेतना को पुनः संस्कार परिष्कार के माध्यम से विकास प्रदान कर देना, ऐसा निवेदन करता है। द्वीप किससे? नदी से। व्यक्ति और समाज के संबंध में व्याख्या की गई है। देखिए इसमें जो है व्यक्ति और समाज का जो संबंध है उसकी व्याख्या की गई है और इसमें व्यक्ति चेतना को संस्कार सामाजिक चेतना से ही प्राप्त होता है, तब जब व्यक्ति का अस्तित्व समष्टिगत हो जाता है। व्यक्तिवादी चेतना के साथ प्रतीकात्मकता की भी अभिव्यक्ति हुई है। देखिए इसमें दिया है कि काल प्रवाहिनी बन जाए में मानवीकरण उपमा दिया है कि काल प्रवाहिनी बन जाए कि कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो इसमें कहते हैं कि देखिए प्लवन माने होता है उछलना व कूदना, प्लवन माने होता है उछलना, तुम बढ़ो प्लावन, जैसे उफान आती है नदी में उछलना या कूदना, प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। जैसे देखे हैं कि प्लावन माने होता है चारों ओर जल उमड़ कर बहना, जैसे प्लावन माने होता है उछलना कूदना, इसमें होता है चारों तरफ जो उफान के जल निकलता है तो वहाँ पे प्लावन हो जाता है कि चारों तरफ जो जल बहने लगता है तो वहाँ पे प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। और यहाँ पे कहा गया है कि जल की बहुत बड़ी बाढ़ जिससे सारी पृथ्वी का अंश डूब जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लावन कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारा भाग क्या कहता है पानी में समाहित हो जाता है, एक विकराल स्थिति हो जाती है। कहती अगर समाज में अगर संस्कार में कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो वो मुझे स्वीकार है क्योंकि मुझे अपने अस्तित्व पे अपनी पहचान पर या अपने संस्कार पे क्या है मुझे विश्वास है, मैं फिर से अपनी पहचान बना लूँगा, यह कहता है कवि। देखिए शुरू से ही यही था कि इस कविता में कि जो इसमें अगे व्यक्तित्व की पहचान बनकर जो व्यक्तित्व है किसका, इन्होंने सच्चिदानंद वात्सायन ने अगे ने, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, इनका ही व्यक्तित्व इस कविता में सामने आकर उभरता है। आप देखिएगा इन्होंने कहा है कि जिस तरह कविता व्यक्ति समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों पर आधारित है, जैसे द्वीप का निर्माण नदी के बीच होता है वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व संस्कृतियों के बीच पनपता है। अगर आदमी देखते हैं उनकी संस्कृति उनके संस्कार से उसके व्यक्तित्व के बारे में पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है और वही अपने व्यक्तित्व अज्ञेय का व्यक्तित्व इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने कहा कि वैसे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व संस्कृतियों के बीच पनपता है, जैसे नदी द्वीप और भूखंड को जोड़ती है वैसे संस्कार व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। और हम चाहें कहते हैं कि हम चाहें तो नदी को समष्टि के प्रतीक रूप में भी मान सकते हैं। कवि ने इस कविता में नई कविता की संवेदना, जैसे आपने देखा कि प्रयोगवाद और नई कविता, जैसे नए बिंब नए प्रतिमान नए स्वरूप, एक इनकी कविता थी जैसे कलगी की बाजरे की जिसमें इन्होंने नायिका के नए उपमान का वर्णन किया गया है, नए उपमाएँ नए बिंब और प्रतीक के माध्यम से इन्होंने कविता का लेखन किया है। प्रतीक जैसे इसमें दिया है कि द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और जो नदी है वो समाज का या संस्कृति संस्कार का, अबृहद भूखंड जो है समाज का, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति क्या होता है अधूरा होता है, उसका अस्तित्व तो उसकी पहचान अगर वो समाज से अलग है संस्कारवान नहीं है तो उसकी कोई अस्तित्व तो नहीं है इस समाज में, यही व्यक्ति इसमें बताते हैं। कहते हैं कि इसमें कि देखिए
आगे की संवाएं कविता में नई कविता की संवेदना है। यह सर्वथा नया आयाम और धरातल प्रदान किया है। यह कविता व्यक्ति व्यष्टि के संपूर्ण विकास तथा उसके संवाय के प्रति आत्मसमर्पण है। इसमें कवि कहते हैं कि अस्मिता, किंतु कवि अस्मिता रहित व्यष्टि बनना नहीं चाहता। व्यष्टि को पूरी खिली खुली अस्मिता के साथ ही कवि समष्टि का अंग बनने को तैयार है। जैसा कि इसमें दिखाया गया कि सामाजिक चेतना अगर कभी भी इसमें पूरी में दिया, नदी का दीप कहता है हम नदी का दीप है, उसी ने हमको क्या किया है, आकार दिया है। पूरा सारांश है कि उसी ने मुझे आकार दिया है। और सारे जो गोण कलियां अंतरीप जो है, अंतरीप जो होता है कि जो एक भाग होता है, एक जो कोण होता है जिसको कहते हैं दीप, एक भाग उसमें उसके रेतीले किनारे सब उसी के द्वारा गढ़े गए हैं। उसकी सारी स्थितियाँ नदी द्वारा ही निर्मित है, वह भी उसकी जननी है। इसको द्वेष स्वीकार करता है, जैसा कि पहले वाली पंक्ति में था, उसी के कारण उसका अस्तित्व है। कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति का जो चिंतन है, भाव है, दर्शन है आदि का निर्माण समाज के अंतर्गत ही होता है। उसका सारा अस्तित्व समाज के सापेक्ष होता है। ऐसा ही व्यक्ति या कवि कहना चाहता है कि बिना समाज के या बिना संस्कार के व्यक्ति का जो अस्तित्व क्या है, अधूरा माना जाता है। अब दूसरे वाले में बताया गया था कि दीप कहता है कि हम तो मात्र दीप ही हैं, नदी की धारा नहीं। नदी तो गतिशील है, वही हमें आकार देती है। हमारा नदी के प्रति पूर्ण स्थायी समर्पण भी है। हम तो उसी के हैं और उसी के द्वारा निर्मित भी हैं, फिर भी हम गतिहीन हैं, उसके साथ बहते नहीं, क्योंकि बहने का परिणाम क्या होता है, अपना अस्तित्व खोकर क्या हो जाना, रेत हो जाना। कहते हैं कि यदि हम बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और हमारे पैर उखड़ जाएंगे और गतिशील जल में हमारा सारा आकार ढह जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व उसकी पहचान दीप बनने में ही है ना। अगर वो दीप जो है वो नदी की धारा में अगर बह जाए तो उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो नदी ही माना जाएगा, नदी ही माना जाएगा। लेकिन उसका अस्तित्व जो है, उसका पहचान जो है वो दीप से ही है। यहाँ वही दीप कहता है कि जल में हमारा सारा आकार ही अगर ढह जाएगा, हम बहना भी चाहें तो हम क्या करेंगे, धारा को नहीं बन सकते, हम बहेंगे नहीं, बल्कि जहाँ हम तो बिखरेंगे, रेत बनेंगे और नदी के प्रवाहित जल को गंदा ही बनाएंगे, उसकी उपयोगिता को ही धूमिल कर देंगे। ऐसा तात्पर्य परंपरा की गति में यदि व्यक्ति भी बह जाएगा तो समाज में गंदगी, कहते हैं कि समाज में गंदगी ही फैलेगी, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व की समाज को श्रेष्ठ गति प्रदान करने में सहायक होती है। और फिर देखिए कहा गया कि समाज संस्कृत के संयोग से ही जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, विश्व समुदाय समाज को संस्कार और जीवन देता है, अतः वह भी पिता है। द्वीप बनकर भी भटकना नहीं चाहता, वह विश्व चेतना में समाहित हो जाना चाहता है। कौन? द्वीप, व्यक्ति। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में यही कहना चाहता है कि वो जो कहता है कि शायद वह हमें अधिक श्रेष्ठ और सुंदर, वो अंतिम पंक्ति में दीप निवेदन करता है, हे नदी तुम मेरी माता हो, तुम दीप को फिर सुसंकृत आकार देना, संस्कार देना, अर्थात सामाजिक चेतना रूपी नदी को, द्वीप के अस्तित्व को या व्यक्तित्व की चेतना को पुनः संस्कार परिष्कार के माध्यम से विकास पर विकास देना। कहते हैं कि इसमें विकास प्रदान करना है व्यक्ति और समाज। देखिए विशेष में हम संदर्भ लिखेंगे, इसमें संदर्भ आता है लिखने के लिए, जब कविता आती है उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, व्याख्या और फिर लाइन होता है विशेष। विशेष में दिया जाता है कि इसमें क्या दिया गया है, कौन सा अलंकार है, क्या मतलब कौन सा रस है, ऐसे करके लिखेंगे। संदर्भ में पे प्रस्तुत पंक्ति प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा रचित हरी घास, मतलब अज्ञेय द्वारा रचित नदी के दीप कविता जो हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। अब प्रसंग में यही होगा जिस पैराग्राफ में जिसका प्रयोग किया गया है, कहीं संस्कार का, कहीं समाज का और कहीं उसके अस्तित्व पहचान का, तो उसका वर्णन किया गया है। और व्याख्या में जो पंक्ति दी रहेगी उसी की व्याख्या। इसमें व्यक्ति क्या कहना चाहता है कि उसका अस्तित्व कैसे होती है, पहचान कैसे बनता है, जैसे इसी की व्याख्या करना है। और विशेष में क्या होता है कि इसमें
आपने मतलब कि कौन सा रस है, अलंकार है, किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग किया गया है ऐसा विशेष में, जैसे यही वाली पंक्ति है इसमें अगर विशेष में कहेंगे तो व्यक्ति और समाज के संबंध में व्याख्या की गई है, व्यक्ति का और समाज का क्या संबंध है इसकी व्याख्या की गई है, और व्यक्ति चेतना को संस्कार सामाजिक चेतना से ही प्राप्त होता है तब जब व्यक्ति का अस्तित्व समष्टिगत हो जाता है, और देखिए व्यक्तिगत व्यक्तिवादी चेतना के साथ प्रतीकात्मकता की अभिव्यक्ति हुई है, और अलंकार देखिए इसमें मानवीकरण उपमा है, किसमें, इसमें काल प्रवाहिनी वाला में काल में मानवीकरण दिया गया है कि मानवीकरण उपमा दी गई है, जिसमें कहते हैं कि काल प्राणी बन जाए में मानवीकरण उपमा है, इसका प्रयोग किया गया है।